सामाजिक मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा। पहले तो हमारा जो धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दों में जो आता है मेन हमारा झंडा, जो कि हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों महापुरुषों ने हमारे झंडे को मेन रखा है। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञान नाथ महाराज जी ने उस पावन पवित्र तीर्थ वास्ते जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष इस पावन झंडे के अधीन ही किया था। मैं सभी संतों महापुरुषों को आवेदन करता हूँ कि इस मेन महत्व को पहले लिया जाए, जो कि मेन हमारा झंडा है। अगर हम सभी संत महापुरुष और सभी हमारे जो समाज के लोग हैं इस झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अब एक जोर से नारा लगाना भगवान वाल्मीकि जी का, जो असली होगा ना वो बोलेगा जोर से, बोल भगवान वाल्मीकि महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की। समय का विशेष ध्यान रखा जाए, अपनी वाणी को बड़े जोर से और जोश से संक्षेप में रखें, गागर में सागर भरने की बात करें, क्योंकि समय सभी के लिए। जोगी दूसरी बात, सभी संतों महापुरुषों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होना चाहिए, ताजो हम अपने समाज को चाहे राजनीतिक तौर पर, सभी संतों को अपने जो भी किसी भी राज्य से आए हैं अपने अपने राज्य में एकत्र करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी हम सभी संत अपने समाज को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी संत हर एक स्टेज पर जाकर बोलते हैं, प्रचार करते हैं, और राजनीतिक तौर पर भी सभी संतों को आगे आना चाहिए। दूसरी बात, जो कि सतगुरु पूरन नाथ महाराज जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सतगुरु पूरन नाथ महाराज जी जिन्होंने हमारे समाज को आदिवासियों के कौमी ग्रंथ ज्ञान प्रकाश महाराज जी की देन दी है। गुरु जी बोलते थे, जिस कौम का कोई ग्रंथ नहीं है उस कौम का कोई पंथ नहीं है। इसीलिए हमारा जो महान ग्रंथ सतगुरु पूरन नाथ महाराज जी ने हमें दिया है, उस ग्रंथ को सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पंजाब में सतगुरु जी ने पंजाबी में इसको लिखा है, जो कि दूसरे राज्यों के लिए हिंदी में भी इसका अनुवाद किया है, और बाहर की कंट्री जो विदेश के लोगों के लिए इंग्लिश में भी किया है, जो बाहर के लोग भी अपने आदिवासी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मैं इतना कहता हुआ सभी से बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जो बोले सोन रुपए, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञान नाथ जी महाराज की जय। रूप से जुड़े हुए, धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोग और शैक्षणिक रूप से जुड़े हुए लोग सभी को सम्मिलित करके एक बहुत विशाल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस संगठन की स्थापना करना है, जिससे हमारे समाज में जो कुरूतियाँ हैं, जिसमें हमारा शोषण होता है, हमारे नेता लोग भी आपस में बटे हुए हैं, धार्मिक लोग भी बटे हुए हैं, शैक्षणिक जो विद्वान हैं या अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं वो भी अपने आप को शायद अपना समाज बताने में शर्म सी महसूस करते हैं, और समाज में उस समय आते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं। हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कमिश्नर है, कलेक्टर है, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, जज हैं और बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन समाज में उनकी एंट्री जब होती है, जब या तो वो रिटायर हो जाते हैं या 60 के पार हो जाते हैं, जब उनकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जब उनको समाज की याद आती है, जब वो शायद किसी करने के काबिल नहीं होते, उस समय उन्हें समाज की जागरूकता के लिए आते हैं और वो समाज से अपेक्षा रखते हैं कि समाज के लोग हमें सम्मान दें।
समाज के लोग सम्मान कैसे देंगे कि जब आप उस काबिल हैं तो समाज के लिए आप कुछ कर ही नहीं पाए, और जब आप किसी काबिल नहीं है तो वो समाज आपको सम्मान कैसा देगा। सबसे पहली बात तो ये जो समाज है बहुत ही वर्षों से दबा कुचला था, लेकिन अभी फिलहाल इसमें शिक्षित भी हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, नेता लोग हैं, और ये सभी लोग मिलके यदि हम इस समाज के उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे यदि हम कुछ कार्य करेंगे तो नेचुरली गवर्नमेंट हिल जाएगी। क्योंकि जब अदर समाज के लोग, मधुवादी लोग एक होकर पूरे, जब भी जैसे ठाकुर लाभी को कोई अपनी बात मनवाना होती है तो वो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं। ब्राह्मणों को जब मनवाना रहती है तो वो पूरे देश में एक आंदोलन चलाकर अपनी बातों को गवर्नमेंट से मनवाते हैं। ऐसे ही अब हमको पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों को पूरे नेशनल लेवल पर एक होकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए संगठित होना पड़ेगा। और जब तक ऐसे आयोजन पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे जब तक शायद गवर्नमेंट जागरूक हमारी बातों को समझ नहीं पाएगी और हमको या हमारे लोगों को खरीदेगी और प्रयास करेगी, क्योंकि ये उसकी मंशा हमेशा होती है। और ये अभी अभी जो शासन चल रहा है शायद आप लोग देखते हैं कि उसका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से उसको शासन करना है, आपको दबा के पैसे के बल पे या जेलों में डाल देंगे, पैसों से खरीद लेंगे या आपकी हत्या करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे, ये उनकी मंशा है। लेकिन हमें किसी बातों से ना डरते हुए हमें सबको एकजुट होकर वाल्मीकि समाज के लिए कार्य करना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जय वाल्मीकि, जय। है जो सबके, जितने भी प्राणी, जितने भी जीव हैं मानवता में जो जी रहे, सबके बीच में खून का लाल रंग सबका एक है, वही रंग हमारे ध्वज का है। क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने जो रक्त संचार जीव दिया है, प्राण दिए हैं, वो इस रंग के हैं, तो इसलिए ये हमारा धर्म ध्वज है। और महापुरुषों ने अभी अभी जो कहा, राजनीतिक संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार के तहत हम शांतिपूर्वक यहाँ पर जो इतनी विशाल संख्या में भारत के हजारों किलोमीटर से चल करके यहाँ पर जो आए हैं वो हक अधिकार के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 70 वर्ष भारत को आज़ाद हुए और जो संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें आज तक हमारी जो बातें हैं, हमारा जो हक है वो फाइलों में दब करके धूल चाट रहा, लेकिन सरकार व्यवस्था में इस प्रकार से भूल जाती है, अनदेखी करती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस संत समाज को आना पड़ा कि वाल्मीकि समाज को, हमारे गरीब समाज को, शोषित वंचित समाज को, कि उनकी बातों को सुने। जो आज तक जो आरक्षण का अधिकार है, आरक्षण का अधिकार हमारे को आज तक मिला ही नहीं, आज रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड की बात है। भारत में राज्यसभा की व्यवस्था जो है, भारत में जो राज्यसभा का दूसरा सदन है, उस सदन में वाल्मीकि समाज का आज तक कोई भी प्रतिनिधि, कोई सी भी सरकार ने आज तक वाल्मीकि व्यक्ति को, जिन्होंने पूरा जीवन कई सरकारों में लगाया, बहुत सारी पार्टियों में लगाया, राष्ट्रीय दलों में लगाया, किसी को आज तक मनोनीत ही नहीं किया, तो लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि को समय दिया जाए, वहाँ पर उनको चुन करके भेजा जाए। और जो लोकसभा का हमारा लोकतांत्रिक मत है, तो लोकसभा में हमारा जो आरक्षण का कोटा है, उस कोटे को जो इनका हक बनता है, जो स्वामी जी कर्नाटक वाले ने कहा, या तो हमें अलग से दे दिया जाए, या फिर व्यवस्था में इस समाज का जो अधिकार बनता है, हक बनता है, उसमें इनकी गिनती को सुनिश्चित किया जाए, और ये हमारी व्यवस्था है। मैं दिल्ली प्रदेश में जरूर इस बात की गौर करूंगा कि यहाँ पर दिल्ली में जो हमारे समाज की, वाल्मीकि समाज की बहुत लाखों की संख्या में जो आबादी है, वाल्मीकि समाज दिल्ली में और वाल्मीकि समाज पंजाब में,
कर्नाटक में, तमिलनाडु में अपना इतनी जनसंख्या आबादी सामान्य प्रक्रिया में रिकॉर्ड रखता है कि वो अपना हक इसलिए मांग रहा। अगर वो जाग गए, आज हम हजारों की संख्या में हैं, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ लाखों की संख्या में भी आना पड़े। आने वाले समय में हम लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं, अगर आज सरकार ने या वर्तमान की व्यवस्था ने इन बातों को न सुना न माना तो वो सिरदर्दी सरकार की हो सकती है। ये वाल्मीकि समाज आपको सिरदर्दी के लिए या हमारी बातों को आप सुन करके इन पर विशेष गौर करें। धर्म की व्यवस्था हमारी कायम हो, क्योंकि धर्म हम अलग से तो नहीं मांग रहे। लोकतंत्र मत में जो धर्म निरपेक्षता है, भारत के संविधान में किसी धर्म का स्थान नहीं। लोकतंत्र के मत में भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता को सभी धर्म को मान्यता मिली है, तो सभी धर्मों में वाल्मीकि धर्म भी अपना स्थान रखता है। या तो इनको भी माने या सभी धर्मों को एक कर जो समानता का, समानांतर का और सभी का हक है, उसको एक रूप से नदी प्रवाहित करी जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।